अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर टेन पॉइंट वन जीरो स्टेटमेंट्स के ऊपर एक है लॉर्ड केल्विन की स्टेटमेंट और दूसरी है क्लास स्टेटमेंट ठीक अब ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो किस एक दूसरे के साथ रिलेट करती है डिस्कस करेंगे बेसिकली पहले हम लोग फर्स्ट थर्मा से थोड़ा सा रिलेट करते हैं बेसिकली फर्स्ट ऑफ थर्मा आपको क्या बताता है कि आपकी जो एनर्जी है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ मतलब आपने जो है वो एनोलॉजी ली थी कि वही जो आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ रखी है वही हीट के अंदर भी होता है हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट दैट विल बी इन इनटू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क इन द सिस्टम यानी कि आपने फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट बनाई थी कि डेलक्यू डेलक्यू प्लस डेल डब्ल्यू यानी कि जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो जो वो है वो कन्वर्ट हो रही है इनक्रीज इन इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस द वर्क इन द सिस्टम के अंदर ठीक

बट द सेकेंड लॉ ऑफ थर्माउ हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इंटू यूजफुल वर्क यानी कि आपको सेकंड ऑफ़ थर्मा जो है ये बताता है कि हीट एनर्जी आपकी वर्गडन के अंदर किस तरह कन्वर्ट टूरियस ने जो लास्ट अभी जो है वो वीडियो के अंदर देखा भी था हम लोगों ने जो हीट इंजन पड़ा कि कैसे जो है वो एनर्जी को आप एब्सॉर्ब कर वर्डन में कन्वर्ट करा रहे हैं है और बाकी एनर्जी को जो है वो एग्जॉस्ट करकेट कर रहे हैं ठीक है तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली आपको ये बताते कि किस तरीके से आपकी हीट एनर्जी जो कन्वर्ट रही है टूटमेंट ऑफ की दो है। स्टेटमेंट्स हैं पहली स्टेटमेंट को तो हम लोग डिस्कस करते बड़ी सिंपल और जनरल कॉल्ड द लॉर्ड कैलविन स्टेटमेंट ये हमारे पास यूनिट नंबर टेन पॉइंट वन जीरो पॉइंट वन है देखिए केल्विन की स्टेटमेंट क्या है कि मैं आपको थोड़ा सा जनरलाइज मतलब आइडिया देता हूँ रफली आइडिया आपको देता हूँ लॉर्ड कैलवन के अकॉर्डिंग वही हमने जो हीट इंजन के अंदर बात की थी वही है कि नो हीट इंजन विल 100 परसेंट एफिशियंट कोई हीट इंजन ऐसा नहीं है जो हंड्रेड परसेंट एफिशियट हो अब 100 हंड्रेड का मतलब ये कि ऐसा कोई इंजन नहीं बना आज तक जो कि जितनी हीट को एब्सॉर्ब कर रहा है उतना ही वर्गन कन्वर्ट यानी कि अगर आपने जो है वो हंड्रेड जूल की एनर्जी को एब्सॉर्ब किया तो हंड्रेड जूल का ही आपका इंजन वर्क करके दे ऐसा कोई इंजन कभी जनरेट नहीं हो सकता यही लॉर्ड कैलवेन की स्टेटमेंट है ठीक है और कंक्लूजन हमारे पास क्या है कि नो हीट इंजन भी भी कोई हीट इंजन इंजन है और जो डीजल इंजन उसकी एफिशियंसी जो अप्रोक्सीमेटली फोर्टी टू परसेंट होती है देखिये थर्टी एट एंड फोर्टी टू बहुत बड़ा मार्जिन है हंड्रेड परसेंट बहुत जो है वो आ बड़ा जो है वो डिस्टेंस है एफिशियंट इंजन से यानी कि हमारा जो इंजन है वो हंड्रेड पर कभी हो नहीं सकते यही लॉर्ड केलवन के देखिए यहां पर लोग क्या करेंगे इम्पोसिबल uh, है कि हम लोग एक हीट इंजन बनाएं ऑपरेटिंग इन साइकिल जो कि कंटिन्यूसली वर्क करे विच टेक्स हीट फ्रॉम द हीट सोर्स एट हाई टेम्परेचर एंड परफॉर्म एन अमाउंट ऑफ वर्क विदाउट रिजेक्टिंग एनी हीट टू द सिंक एट लो टेम्परेचर यानी कि इसकी कहने के मुताबिक ऐसा कोई हीट इंजन जो कि एक साइकिल के अंदर वर्क करे और वो क्या करे कि हीट सोर्स से जितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करे उतना ही अमाउंट का जो है वर्धन करे बगैर किसी हीट एनर्जी को एक्सपेल आउट किए हुए दैट इज कॉल्ड द स्टेटमेंट ऑफ लॉर्डमेन ठीक है तो ये हमारे पास है फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉफ दैट नो हीट इंजन विल बी हंड्रेड परसेंटिशंट अगर आपने जो है वो रखना है uh, बिठाना है तो ये है कि आपका कोई इंजन जो है वो जितनी हीट एबजॉर्ब करेगा उतना ही इक्वल अमाउंट का वर्क नहीं कर सकता ठीक है तो हम यहां पर कंक्लूजन की बात ऑफ करेंटिंग uh, uh, नहीं हो सकती हमेशा हंड्रेड परसेंट से कम ही होगी ठीक अब इसके बाद नेक्स्ट uh, हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो रोडोल्फ क्लाउसेस की स्टेटमेंट है अब देखें क्लाउसिस स्टेटमेंट बड़ी बहुत सी नेचुरल और जनरल सी स्टेटमेंट है के अगर आपने हीट को फ्लो करवाना है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी तो ये स्पॉन्टेनियस कुदरती प्रोसेस है ठीक है कि आपकी जो है वो हीट जो है वो ट्रेवल करती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी स्पॉन्टेनियसली यानी कि कुदरती तौर पर आपकी जो एनर्जी है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर कर जाती है यानी कि आप एक रॉड को एक तरफ से हीट करना स्टार्ट करें तो रॉड का जो दूसरा पार्ट है वो भी हीट जो है वो कंडक्ट कर लेता है थोड़ी देर में वो भी क्या हो जाता है गर्म हो जाता है ठीक अब रोडोल्फ क्रॉसियस की स्टेटमेंट क्या है कि इट इज इंपॉसिबल टू ड्राइव हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी यानी कि ऐसा करना इम्पॉसिबल है कि आप जो है वो हीट को कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में ट्रांसफर कराएं विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी यानी कि किसी किस्म का वर्क करवाए बगैर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप हीट को कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ लेकर जाएं। ठीक है अब इसकी मैं आपको एक जनरल एग्जांपल देता हूं जैसे आपने जो रेफ्रिजरेटर देखा हुआ है ना जो फ्रिज के अंदर का जो टेम्परेचर है उसको आप थ्री पे सेट करते हैं फोर पे सेट करते हैं फाइव पे सेट करते हैं और आपका जो रूम टेम्परेचर है वो अप्रोसीमेटली ट्वेंटी थ्री होता है अब रूम टेम्परेचर जो है वो हाई टेम्परेचर है आपका फ्रिज जो है वो लो टेम्परेचर है ठीक आपने फ्रिज का दरवाजा खोला आपका टेम्परेचर जो फाइव हो गया अब आपने फाइव से दोबारा थ्री टेम्परेचर पर जाना है तो आपने क्या करना है कोल्ड बॉडी से हीट को हॉट बॉडी की तरफ ट्रांसफर करवाना है ठीक है तो फ्रिज खुद बाखु तो कूल नहीं करेगा आपके आपके जो इंटरनल इंटीरियर मतलब जो एरिया है फ्रिज का तो फिर उसके लिए हमने क्या लगाया था कंप्रेसर और कंप्रेसर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की जा रही होती है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करने से कंप्रेसर क्या करता है कि आपकी जो है वो कोल्ड बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब करके उसको हॉट बॉडी के अंदर एक्सपेल कर देता है ठीक है यही हमारे पास क्लाउसिस की स्टेटमेंट है कि अगर आपने कोल्ड बॉडी से टेम्परेचर को हॉट बॉडी की तरफ ट्रेवल करवाना है तो फिर आपको वर्क करवाना पड़ता है यानी कि एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है और हम एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी अब आप एसी की जो है वो जो है कंडीशन ले लें आपके जो रूम के अंदर जो है वो ये कंडीशन लगा हुआ है ठीक अब आपके रूम का जो जब 16 डिग्री सेंटीग्रेड और आउटरेट जो आपके पास टेम्परेचर है रूम मतलब जब आपके एनवायरमेंट का जो बाहर का टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड ठीक आपने रूम को ओपन किया दरवाजे को ओपन कर दिया तो आपका टेम्पेचर जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया अब आपने क्या करना है ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड को दोबारा 16 पर लेकर जाना है तो कोल्ड बॉडी से आपने हीट को एब्सॉर्व करके इनवायरमेंट यानी कि जो 30 डिग्री पर है हॉट बॉडी की तरफ ट्रैवल करवा तो एसी खुद बाखु तो ऐसा नहीं करेगा कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी से ट्रैवल करवा दे हीट को हॉट बॉडी के अंदर तो फिर इसको क्या ए को हम लोग क्या करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब वही कंप्रेसर सिस्टम को जो जब स्टार्ट करेगा जो कि क्या करता है आपके कोल्ड uh, बॉडी के uh, जो है टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके हॉट बॉडी के अंदर क्या थे करा देता है एक्सपेल करा देता है इन द फॉर्म ऑफ एग्जॉस्ट आप एसी का एग्जॉस्ट रखते हैं कमरे से दूर रखते हैं ताकि जो है वो एग्जॉस्ट की गर्मी कमरे के अंदर ना आए ठीक तो ये हमारे पास है क्लाउसेस के स्टेटमेंट देखिए हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि इट इज इम्पॉसिबल टू कॉज हीट टू फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी हॉट फ्रॉम कोल्ड बॉडी ये हॉट नहीं है फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी ठीक इट इज इम्पोसिबल टू कॉज हीट टू फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी ये हॉट गलती से लिखा हुआ हॉट हो, नहीं है फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी यानी कि बगैर एनर्जी प्रोवाइड किए आप हीट को कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ ट्रांसफर नहीं करवा सकते हैं एग्जाम्पल मैंने आपको प्रोवाइड कर दी रेफ्रिजरेटरी एग्जाम्पल मैंने आपको प्रोवाइड कर दी आपको मैंने रूम एयर कंडीशन की जब वो एग्जाम्पल प्रोवाइड कर दी कि आप क्या करते हैं कोल्ड बॉडी से ट्रेवल करवाते हैं हीट को एनवायरनमेंट के अंदर यानी कि हॉट बॉडी के अंदर तो इसके लिए आपको जो है वो इलेक्ट्रिकल वर्गन करवाना पड़ता है खुद ब खुद कभी भी जो है वो आपकी हीट जो है वो कोल्ड से हॉट बॉडी की तरफ ट्रांसफर नहीं होती सो कंक्लूजन इज द कंक्लूजन ऑफ क्लाउसेज स्टेटमेंट इज दैट द हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी बाय अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस यानी कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी बॉडी खुद हीट जो है खुद ब खुद ट्रैवल कर जाती है दैट इज कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस यानी कि कुदरती नेचुरल प्रोसेस है बट टू फ्लो हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी अगर आपने जो है वो हीट को फ्लो करवाना है कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरह वी हैव टू प्रोवाइड एन एक्सटर्नल एनर्जी यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए प्रोवाइड करेंगे पड़ेगी दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एर्नर्जी इन दम ऑफ एलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर एक्जाम्पल रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटर आपके इंटीरियर को कुल cool कर रहा होता है बेसिकली कोल्ड बॉडी से हीट को जो है वो हॉट बॉडी की तरफ ट्रांसफर करवा रहा होता है ठीक है बेटा तो ये हमारे पास है रोडोल्फ की uh, प्लाउसे स्टेटमेंट ठीक तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो इक्वेलेंट ही है यानी कि अगर आप एक जो है वो गलत प्रूव करने की कोशिश करते हैं तो दूसरी भी ऑटोमेटिकली गलत प्रूव हो जाती है इक्वलेंसी है इसमें लेकिन यहां पर हम लोग जो है वो को डिस्कस नहीं करेंगे ठीक है तो ये हमारे पास है सेकंड सेकेंड ऑप्शनिक्स यही जो टॉपिक है इसके दो ही स्टेटमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है ठीक है तो उम्मीद है आपको इनशाला कॉन्सेप्ट आ गया होगा अगर कोई प्रॉब्लम बैठा तो क्वेश्चन कर सकते हैं मैं उसका आंसर कर दूंगा अपनी में याद रखिएगा थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़